हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो डाटा है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग हम सीखेंगे कि कैसे सीरीज को बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी सीरीज गिवन होती है या आपको रॉ डाटा क्रूड फॉर्म में गिवन होता है तो कैसे आप उसकी स्टैटिकल सीरीज बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 50 फैमिलीज बॉट अ मिल्क इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर मंथ। मतलब कि एक सर्वे किया गया, उसमें 50 फैमिली का सर्वे किया गया और ये जाना कि पार्टिकुलर जो मंथ है उसमें 50 फैमिली कितना मिल्क बॉट करती हैं, कितना मिल्क खरीदती हैं। क्लासीफाई द डाटा इन एन इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि तीन तो आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, इंडिविजुअल सीरीज वेयर द फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, डिस्क्रीट सीरीज वेयर द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, मतलब कि जो आइटम रिपीट हो रहा है दैट कम्स अंडर द फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूअस सीरीज वेयर यू गेट द क्लास, वेयर यू गेट द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द कंटिन्यूअसली कॉम्युलेटिव आइटम्स आर एडिड, इन विच वे लाइक यू कैन से द मोर देन और लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज इज नॉट एज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जब आपको मोर देन और लेस देन वाली सीरीज गिवन होती है तो उसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमेशा कॉम्युलेटिव फॉर्म में होती है, आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो हमारे पास एक रॉ डाटा क्रूड फॉर्म में गिवन है और उससे हमें क्या बनाना है, इन सीरीज को बनाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आसानी से सीरीज को बना सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि ये कुछ डाटा कलेक्ट किया गया, टोटल ये 50 जनों का डाटा है, 50 फैमिलीज का डाटा है, 50 लोगों का डाटा है कि कौन कितना मिल्क खरीदते कितने क्वांटिटी में, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब हमें जाना है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। बच्चों, क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज को बनाना है। सबसे पहले तो आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज जो है दो फॉर्म में हम कर सकते हैं, एक तो सीरियल ऑर्डर नंबर में हम सीरीज बना सकते हैं, दूसरा हमने बताया था कि उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में हम सीरीज को बना सकते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी रो डाटा गिवन है उसको हम क्या तो असेंडिंग फॉर्म में बनाएं क्या डिसेंडिंग फॉर्म में बनाएं। तो मैं इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पे बनाऊंगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं इसको असेंडिंग फॉर्म में बनाऊंगी बच्चों। और असेंडिंग फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि सबसे छोटे वाला आइटम कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे छोटा कौन सा है, देखिए आप पूरे इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। तो हमें फाइव जो है सबसे छोटा है तो फाइव लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या फाइव और बार है, मतलब कि एक बार तो मिल गया, क्या एक बार और है, तो इसमें देखो एक बार और है तो फिर से हम फाइव लिखेंगे। ऐसे ही फिर फाइव के बाद क्या आता है, सिक्स, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या सिक्स गिवन है, गिवन है, कितने बार है, एक बार है तो एक बार लिख दिया। फिर देखेंगे सेवन, तो सेवन गिवन है, गिवन है, कितने बार, दो बार गिवन है तो दो बार लिख दिया। तो बच्चों ऐसे असेंडिंग फॉर्म में सीरीज बन जाएगी आपकी, लोवेस्ट टू द हाइएस्ट, ठीक है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग फॉर्म में आप डाटा को एक सीरीज वे में लिख देंगे और कुछ नहीं करना आपको, वो आपकी होती है इंडिविजिबल सीरीज। बहुत आसान है, जो भी डाटा गिवन हो उसको असेंडिंग फॉर्म में लिख दो या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दो, आपकी इंडिविजुअल सीरीज बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद बच्चों बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की, और आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में टैली बार आ जाता है, फ्रीक्वेंसी एरे की बात आ जाती है जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है। तो बच्चों हमने क्या लिख दिया था, इंडिविजुअल सीरीज लिख दिया था, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज में तो हमने क्या किया था, जो भी आइटम्स गिवन थे, लाइक अगर मैं बात करूं फाइव है, फाइव टू टाइम्स था, ठीक है, तो मैंने उसको टू टाइम्स पे लिखा था। बट जब हम डिस्क्रीट सीरीज को तैयार करेंगे तो जो भी आइटम्स हमने वहां पे तो रिपीट में लिखे थे, हमें क्या करना है, उन आइटम को एक बार ही लेना है। लाइक यहाँ पे देखिए फाइव है, फाइव दो बार गिवन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फाइव को लेंगे, एक बार ही लेंगे, वैसे इसी फॉर्म में लिखेंगे हम सीरीज को। बट जैसे इलेवन है, इलेवन कितने बार रिपीट है आपका, फाइव टाइम्स रिपीट है, तो हमें इलेवन एक बार ही लेना है क्योंकि वहां पे हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, राइट। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो टैली बार का भी मैंने आपको बताया था कि टैली बार कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए फाइव कितना है आपका, टू टाइम्स है फाइव, राइट, कितने टाइम्स है आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे कितने टाइम्स है फाइव आपका, टू टाइम्स है। तो आप क्या करेंगे, टू टाइम्स है तो आप दो बार कर देंगे, कर दिया दो। अब मतलब इसका ये हुआ कि जो फाइव है वो दो बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी एक आइटम जितनी बार रिपीट होता है वो क्या बन जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो फाइव की फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई, टू। फिर आप देखेंगे जो सिक्स है, बच्चों सिक्स जो है वो कितनी बार है, बताइए मुझे सिक्स कितनी बार है, एक बार है, राइट।
तो हम एक बार लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी बन गई उसकी 1। फिर हम देखेंगे बच्चों 7 कितनी बार है, तो आप देखेंगे तो जानेंगे कि 7 जो है 2 बार है, तो हमने 2 डंडे यहाँ पे मार्क कर दिए और फ्रीक्वेंसी बन गई आपकी 2। फिर हम देखेंगे बच्चों 8 कितनी बार है, तो 8 1 बार है, तो 1 मार्क कर दिया हमने, फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। फिर देखेंगे हम 9 कितनी बार है, तो 9 2 बार है, तो 2 मार्क कर दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया 2। राइट, फिर हम देखेंगे 10 कितनी बार है, तो 10 भी 2 बार गिवन है, ठीक है, और हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ऐसे टैली मार्क करना होता है। अब मेन क्वेश्चन आता है 11 कितनी बार है, तो आप देखिए बच्चों 11 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 5 बार गिवन है 11, राइट। तो आप क्या करेंगे, आपको टैली बार में रिप्रेजेंट करना है, तो टैली बार के लिए 5 बार गिवन है, तो मैंने आपको बता रखा है कि 5 को टैली बार में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 के लिए क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो कितना बन गया आपका 5 बन गया। क्लियर हो गया, मतलब 5 टाइम्स 11 रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद हम 12 देखेंगे, तो 12 भी जो है आपका 1 बार है, तो फ्रीक्वेंसी 1 बन गई। 13 जो है आप देखेंगे 1 बार है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 1 बन गई। 14 जो है वो भी 1 बार है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी बन गई, 1 बन गई। उसके बाद आप देखेंगे 15 2 टाइम्स है, तो 2 डंडे हमने खींच दिए और फ्रीक्वेंसी आपकी 2 बन गई। उसके बाद देखेंगे 16 कितनी टाइम्स है, तो 16 बच्चों 3 टाइम्स है, तो आप 3 टाइम्स है, तो 3 लाइन मार्क करेंगे और 3 आ गया। 17 कितनी बार है, 17 भी 3 बार है, तो 3 मार्क करेंगे और आपका 3 आ गया। 18 2 बार है, तो 2 मार्क करेंगे, 2 आ जाएगा। उसके बाद 19 जो है आपका वो 2 बार है, तो 2 आ जाएगा। 20 जो है आपका वो 3 डैश है, तो 3 आ जाएगा। 21 जो है बच्चों आपका वो कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 डैश 3 आ जाएगा। अब आता है 24 आपका, 23 आपका 23 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 4 टाइम्स है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 22 कितने टाइम्स है, सॉरी आपने 21 तक कर लिया ना, 22 देखना है हमें अभी, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स रिपीट है, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो आप क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे 5 के लिए तो पता है क्या, 1 2 3 4 5 और 6 का एक अलग से लगा दो, तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 23 कितनी बार है आपके भाई, 4 बार है, तो 4 डैश और 4 लिख दो। फिर 24 कितनी बार है आपका, 1 1। 25 कितनी बार है, 2 2। एंड 26 1 1। तो बच्चों ये होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, जहाँ पे टैली बार और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आप सभी से ये कहूंगी कि आप पहले क्वेश्चन को लिखिए वीडियो के थ्रू, ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके और क्वेश्चन को लिखिए और उसके बाद पहले समझिए, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन को कीजिए, खुद से आप टैली बार देखिए कौन सा आइटम कितनी बार आ रहा है, और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को बनाइए, जब ये आपको बेटर क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो डिस्क्रीट सीरीज थी, जहाँ पे टैली बार और आपका फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। उसके बाद बच्चों बात आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की, और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है आपका, कंटिन्यूअस सीरीज। क्या नाम है आपका, वो कंटिन्यूअस सीरीज नाम है। तो बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमें जरूरत होती है क्लास इंटरवल की, और क्लास इंटरवल बनेंगे कैसे वो हमें समझना है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, क्लास इंटरवल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्योंकि 50 फैमिली थी, तो मैं यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस लूंगी, जो मैं डिफरेंस लूंगी वो 5 का लूंगी, और लोवेस्ट जैसा कि हमने देखा इंडिविजुअल में कि 5 था, और हाइएस्ट जो था 26 था, तो मैं 5 से स्टार्ट कर दूंगी और 5-5 का मैं डिफरेंस ले लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं 1-1 का लूंगी तो वही फ्रिक्वेंसी 1-1 बनेगी, तो कुछ फायदा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास इंटरवल 5 का लिया, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। हमेशा क्लास इंटरवल जब आप बनाओ, आप मैग्नीट्यूड अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट मैं कहूंगी कि 5 का डिफरेंस तो आप हमेशा रखो, आप 2 का भी ले सकते हो, आप 3 का भी ले सकते हो, आप 4 का भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जो है वो सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होनी चाहिए। मतलब जो आप सीरीज बना रहे हैं, जो आप आइटम्स लिख रहे हैं, उसको आप हमेशा किस में लिखेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में।
लिखेंगे। आई होप इट्स बी क्लियर। अब आप देखेंगे 5 से 10 के बीच में कितने आइटम आ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों 5 से 10 के बीच में आपने डिस्क्रिप्ट के थ्रू भी देख सकते हो, आप वैसे भी देख सकते हो, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो 10 आइटम है ये फर्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, ये सेकेंड वाले में इंक्लूड होगा। यहां तक आप कौन से आइटम ले सकते हो मैं बताती हूँ आपको। आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, बट आप 10 नहीं ले सकते। आप इसको किसमें इंक्लूड करोगे? नेक्स्ट क्लास इंटरवल में आप इसको इंक्लूड करोगे, राइट। तो बच्चों 5 से 2 10 है, उसमें देखिए 5 दो बार आ रहा था, ठीक है, 6 आपका एक बार आ रहा था, 7 आपका दो बार आ रहा था, 8 एक बार आ रहा था, 9 दो बार आ रहा था। आप इन आइटम्स को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने हुए आपके बच्चों टोटल आइटम? 8। आप फ्रीक्वेंसी गिन लीजिए या फिर आप टैली बार्स गिन लीजिए, तो आपके आइटम कितने हुए? 8 हो गए ना। 9 तक मैंने गिन के बताया आपको कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप करो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8, बहुत आसान था। अभी 10 इसमें लेंगे और 14 तक लेंगे, तो अब देखो 10 to 14 जाओ, 10 में 2, 11 5 मतलब 2 और 5 7 है ना, और फिर 8 और फिर 9 और फिर 10, मतलब कितना हुआ 10। तो कैसे रिप्रेजेंट करूं टैली बार में? 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर वही 15 to 20 देखिए, 2 3 5 3 8 8 और 2 10 10 और 2 12, ठीक है, तो कितना हो गया 12। तो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे बच्चों हम 12 लिख देंगे। 20 से 25 में आप देखिए कितना है, 3 3 6 6 6 12 12 and 4 16 17, क्योंकि 25 नेक्स्ट में होगा, 5 5 10 हो गया है ना, 17 है, 1 2 3 4 5, 15 और 16 और ये 17, तो कितना आ गया आपका 17 आ गया। फिर 25 से 30 में देखिए, क्योंकि फिर 5 का ही लेना है, हमें पता है 26 तक है, मैं मानती हूँ, बट हमने 5 का मैग्नीट्यूड लिया, तो 25 + 5 इज इन इक्वल टू द 30, राइट। तो आप बच्चों इसमें क्या लेंगे, 2 and 1, राइट, 3, तो 3 डैश कर दीजिए, 3 लाइन और 3 फ्रिक्वेंसी। आपको एक हमेशा याद रखना है, समीशन एफ जो होगा आपका बच्चों 50 के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि हमने 50 फैमिली का ही डाटा लिया था, तो ये 50 के इक्वल होगा आपका हमेशा, ठीक है, क्योंकि जितना भी डाटा लेते हैं वो हमेशा ऊपर गिवन होता है कि हमने 50 का लिया, हमने 20 का लिया। तो ये थी आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद जो हमें बनाना है वो बनाना है कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज, और उसमें हम दो टाइप से बनाते हैं, मोर देन और लेस देन, राइट। तो आपको क्या करना है, आप इसी हिसाब से उसमें आप ना इस क्लास इंटरवल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे देखे मैं बताती हूँ, जैसे लेस देन का लेती हूं मैं, तो लेस देन क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 5 लिख दिया, ठीक है। अब लेस देन 5 कितने आइटम है? कोई आइटम नहीं है, तो लिख देंगे 0। फिर हम लिखेंगे लेस देन 10। अब लेस देन 10 कितने आइटम है देखिए, 2 1 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, लेस देन 10 कितने आइटम है, 5 6 7 8 9 है ना, यही तो लेंगे, तो कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 8 आइटम है बच्चों। 10 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ध्यान रखना 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो लेस देन कितना है 10, 8 है। फिर लेस देन 15, फिर ऐसे ही आइटम आप गिनते जाना और आपके आ जाएंगे। तो लेस देन 15 आपके 18 है। फिर आपका लेस देन 20, लेस देन 20 आपके कितने आइटम हो जाएंगे, 30। अब लेस देन 15 में आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना आपकी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लेस देन 15 में आपको ये सारे आइटम लेने हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 तक। यहां तक फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है। कहीं आप ये सोचो कि मैम लेस देन 10 में तो हम इंक्लूड कर चुके हैं 8 आइटम, तो फिर आपने उसको दोबारे क्यों इंक्लूड कर दिया? तो बेटा इसको हमें इंक्लूड करना है स्टार्टिंग से, हमको गिनना है, जैसे लेस देन 15 है तो 5 भी तो 15 से कम है ना, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, तो इसलिए हमें दोबारे से उसको एडअप करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपके कंफ्यूजन को पहले ही समझ के दूर कर दिया है। उसके बाद आएगा
लेस देन 25 और 25 में फिर आपका 47 आ जाएगा एंड लेस देन 30 में बच्चों आपका आ जाएगा 50, क्योंकि आपको पता है ना टोटल आइटम तो 50 ही थे, तो लेस देन 30 में फिर क्या आएगा, 50 आएगा क्योंकि इनका जोड़ 50 है। ठीक है, तो ये होता है आपका। उसके बाद बात आती है मोर देन कैसे बनाएंगे, तो मोर देन फाइव। तो बच्चों मोर देन फाइव है यहाँ पे, तो मोर देन फाइव तो भाई 50 है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सारे ही ज्यादा है ना, तो 50 है। उसके बाद क्या आएगा, मोर देन टेन आ जाएगा आपका। तो बेटा मोर देन जो 10 है आपका उसमें कैसे करें, ठीक है, तो मोर देन 10 में आप क्या देखोगे, जो मोर देन 5 था ना, कि 5 से ज्यादा 50 था, तो आप क्या करोगे मोर देन 10, कि 10 से ज्यादा, तो 5 टू 10 के बीच में कितने आइटम आ रहे थे पहले तो आप ये देखो। तो देखो 5 टू 10 के बीच में, मैं कह रही हूँ कि आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का यूज करके ही बना सकते हो, तो 8 आइटम आ रहे थे ना 5 टू 10 में, तो आप 8 आइटम्स को क्या कर दो 50 में से डिडक्ट कर दो, तो 50 में से आपने क्या कर दिया 8 आइटम को डिडक्ट कर दिया, तो कितना आ गया 42 आ गया। फिर आप लोगे मोर देन 15, ठीक है, तो बच्चों मोर देन 15 में बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये वाला भी ले सकते हो ना। मोर देन 15 में आपका कितना आ जाएगा 30, आपका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। आप कहोगे मैम कैसे आ जाएगा, तो आप देखिए मोर देन 15 में, ठीक है, क्या तो वहां से ले लो, वहां से गिन लो आप कितना बनता है ना, 15 से स्टार्ट करो और 26 तक जाओ, या फिर यहां से ले लो 15 टू 30 कितना है आपका, जोड़ दो इनको, ठीक है, आपका आ जाएगा, ठीक है, 12 और 17 कितना 29 और 3 32 हो जाता है आपका, तो कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से निकालो तो भी आसान है, क्या करोगे 50 में से क्या माइनस कर दो आप 18, 15 में से 18 माइनस करेंगे तो भी 32 ही आएगा आपका। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, बस हमें तो मोर देन 15 लेना है, 15 वाला इंक्लूड है इसी में, तो 15 से ऊपर वाले आइटम को लेना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप 18 को 50 में से डिडक्ट करोगे तो भी आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों मोर देन 20 की, तो इसका आपका 20 आ जाएगा, और फिर मोर देन 25 में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर मोर देन 30 में आपका 0 आ जाएगा। तो ये तो थी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इस टाइप से बनती है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है, होप इट्स बी क्लियर। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया कि जैसे मोर देन 0 है, मोर देन 5 है, मोर देन 10 है, 15 है, ये आपको सीरीज गिवन है, तो किस टाइप से क्वेश्चन को करना है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो बहुत आसान है, जल्दी से हम करेंगे इसको, कि कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी में, तो मोर देन कहां से स्टार्ट था, 0 से स्टार्ट था ना, तो आप कहां से सीरीज बनाओगे फिर, 0 से, 0 टू 5, 5 का गैप ले रहे हैं, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू आपका आ जाएगा 30, ठीक है, और मोर देन 30 है तो 30 टू 35 हमें लेना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 टू 5 ना, तो मोर देन 0 कितना था 55, वो तो टोटल फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद उसने बोला मोर देन 5, तो मोर देन 5 जो बोला बच्चों वो कितना बोला 51 बोला। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है, 0 टू 5 मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4, फिर 5 टू 10 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बताइए, जल्दी से बताइए मुझे कितना 8, फिर 10 टू 15 इसका कितना डिफरेंस आ जाएगा बताइए 15। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है, बस लिखते जाओ इसके आगे और क्या है। ठीक है, ऐसे आपका आ जाएगा 4, 8, 15, 12, 10, 6 एंड 0, ये आ जाएगा। कैसे आया आपको पता है, पहले 55 था, ठीक है, उसमें से 51 माइनस करेंगे तो 4 आया, ठीक है, फिर आपका क्या किया आपने 51 में से 43 माइनस किया तो 8 आया। आप खुद सोचना आगे कैसे किया, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप फिर खुद सोचना। ठीक है, ये था आपका। फिर आपका एक और क्वेश्चन आता है जो मैं करवाना चाहूंगी, ठीक है, ये क्या है, वी हैव द फॉलोइंग डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर 30 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, कि 30 घर का डाटा गिवन है कि लोग जो है खाने पे कैसे खर्च करते हैं। हमने एक सर्वे किया, रॉ डाटा हमें गिवन है। इसने कहा है आपको डाटा तो गिवन है, तो आपको क्या करना है,
इसमें आप एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बनाइए, मतलब क्लास इंटरवल जिसमें होता है कंटिन्यूस सीरीज बनाइए और इस टाइप से बनाइए ना, 100 से स्टार्ट कीजिए। फिर आप हमें ना परसेंटेज बताइए कि 250 रुपए पर मंथ में कितना, लेस देन 250 कितने लोग खर्च करते हैं और मोर देन कितना करते हैं ये बताना है, ठीक है। मोर देन 200 रुपए एक महीने में लोग कितना खर्च कर रहे हैं फूड पे और 250 से कम कितना कर रहे हैं वो सब बताना है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और वो बहुत आसान है, इसने क्लास इंटरवल तो दे ही दिया। तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे आपने डाला क्या, पहली बार, ठीक है, और उसके बाद आप डालोगे बच्चों क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लास इंटरवल इसने कहाँ से लेना है, 100 से, तो 100 टू 150 आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपकी बुक में मिल जाएगा। 200 टू 250, 250 टू 300 एंड 300 टू 350, ठीक है, ये है आपका। अब आपको क्या देखना है, 100 टू 150, तो 150 इज नॉट इंक्लूड हेयर, तो 100 से लेके 149 तक जितने भी आइटम है आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने हैं 100 से 149 के बीच में, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया, आप खुद करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, तो आप खुद करना। तो कितने आइटम है, 4 आइटम है, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। फिर 150 से 200 मतलब यहाँ 199 तक इंक्लूड करूंगी, कितने आइटम है, 6 आइटम है, कितने हैं 6, तो 6 लिख दिया। फिर 200 से 249 तक लूंगी मैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 13। फिर उसके बाद इसमें 5 है, फिर इसमें 2 है, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बन गया, वही है सेम प्रोसीजर जो पीछे किया। मेन जो मैं इसमें बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ हाउसहोल्ड स्पेंडिंग लेस देन 250, इसने कहा कि क्या परसेंटेज है कि जो लोग, ऐसे घर कितने हैं जो क्या कर रहे हैं 250 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं पर मंथ में, एक महीने में ना, ये बताना है हमको। तो 250 से कम खर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बेटा घर को देखना होगा कि 250 से कम, तो जितने भी आइटम है ना पहले आप कैलकुलेट कर लो कि 250 से कम कितना है। तो ऐसे दोबारा कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बना लिया, आप उसी के थ्रू करेंगे। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करेंगे, आप देखो 250 से कम, 200 से 250 कम है ना, तो इनको बेटा जोड़ दो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे होगा, नंबर ऑफ Household spends less than 250 per month, ठीक है। तो मैंने जोड़ दिया, जैसे आपको मैं और भी आसानी से बताती हूँ कि इसमें 4 आइटम थे है ना, और 150 से 200 में आपके 6 आइटम थे बच्चों, और 200 से 250 के बीच में आपके 13 आइटम थे, तो इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 4, 6 और 13 ऐड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23। तो टोटल 23 हाउसहोल्ड थे, ठीक है, टोटल 23 थे, बट बात इसने की थी परसेंटेज की, ये पूछ क्या रहा है, परसेंटेज ना। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, हमें पता है समीशन एफ कितना है, 30, क्योंकि टोटल फैमिली कितनी थी, 30 थी। तो बेटा परसेंटेज निकालूंगी, परसेंटेज ऑफ Household span less than 250 per month ना, यही था हमारा। तो बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 23 थी फैमिलीज, कितने में से, 30 में से थे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 76.6%, क्योंकि 30 फैमिली में से 23 फैमिली ऐसी थी, 23 हाउसहोल्ड ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, 250 रुपए से कम खर्च कर रहे थे। फिर इसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउसहोल्ड स्पेंड्स मोर देन रुपए 200 पर मंथ, 200 से ऊपर कितना खर्ची कर रहे हैं ना, 200 से ज्यादा, तो आप यही ले लोगे, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, इनको जोड़ दो, आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड स्पैन मोर देन 200 पर मंथ, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या क्या लेना है, 200 से 250 आपकी कितने हैं आपके बच्चों, 13 है, 250 से 300 कितना है आपका, 5 है,
एंड 300 से 350 कितना है आपका 2 है, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा ना। परसेंटेज के लिए वही सेम प्रोसीजर, 20 कितनी फैमिली में से 30 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा कितना 66.6%। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, आपको इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी साथ के साथ। जिन भी बच्चों के पास बुक है अपनी बुक में से क्वेश्चन को कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज सकते हैं जो भी क्वेश्चन, अगर किसी का नहीं निकलता है तो आप क्वेश्चंस को करके देखें। आपका यही होमवर्क रहेगा कि आपको क्वेश्चंस को करके देखनी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में जो भी बुक के पीछे गिवन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन भी कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। ये मैंने आपकी कुछ प्रैक्टिस करवा दी है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू ऑल।